थोड़ा सब्र रख मेरी जान, जब हम मार्केट में आएंगे तब बसंती तो क्या गब्बर भी नाचेगा। बॉर्डर पर दुश्मन का नाम सुनकर उतना खून नहीं खौलता जितने तेरे धनुष के नाम से खौलता है। तुम उसके भाड़े के टट्टू हो, पर मैं जंगल का वो शेर हूँ कि जिसने जंगल में पैर रखा तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाथ में बंदूक हो तो एक बच्चा भी ऊंचे सुर में बात कर सकता है। अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। दुनिया कितनी छोटी है ना, उंगली पे ही नचा सकते हैं। मेरे पास भी ऐसी एक है, सोने की। उसके नीचे का स्टैंड भी सोने का, उसके नीचे की टेबल भी सोने की। लगता है सोना बहुत है तुम्हारे पास। देश का कर्जा चुकाना हो तो बोलिए, चुका दूंगा। जानू मेरी है, ये बात भेजे में उतार ले, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इसे हाथ तो लगाकर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। कितने दिन से नहीं सोए हो? चार पांच दिन। आखिरी बार ठीक से कब सोए थे? कब सोया था? पिछली बार जब अपने गांव गया था, मां की गोद में सर रख के लेटा था, वहां आई थी नींद, बहुत गहरी नींद आई थी। वो सोता रहा घंटों। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। मोगैम्बो खुश हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? वैसे ही जैसा पहले था, जाहिल। फलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। शांत गोवर्धन शांत, ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है। तितली है तितली साली, उड़ के जाएगी कहां, जहां भी जाएगी लौट के गुज्जर के पास ही। तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटमार, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामे, ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगैम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। इंतजाम हो जाएगा जी, बिल्कुल। हाँ, मोगैम्बो खुश हुआ। रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। विकी, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अब भी बात करते हो? हाँ। भले ही उनके दूसरे बॉयफ्रेंड से, फिर भी कुछ की तो शादी भी हो चुकी है, तो क्या तुम्हें जलन नहीं होती? अब इस दुनिया की सारी लड़कियां तो मेरे लिए बनी नहीं है ना निकी, वो उनकी लाइफ है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। विकी, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अब भी बात करते हो? हाँ। भले ही उनके दूसरे बॉयफ्रेंड से, फिर भी कुछ की तो शादी भी हो चुकी है, तो क्या तुम्हें जलन नहीं होती? अब इस दुनिया की सारी लड़कियां तो मेरे लिए बनी नहीं है ना निकी, वो उनकी लाइफ है एंड आई रिस्पेक्ट दैट।